तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजवीर ठाकुर, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल यार ब्रदर्स। ये जो गाड़ी है मेरे पास आई है भजनपुरा से, इस गाड़ी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, जैसे कि इसका इंजन का काम होगा गाड़ी का, और जिन भाई की गाड़ी है वहाँ पे किसी भजनपुरा में किसी मैकेनिक से उन्होंने चेक कराई थी, उनसे पूछा था कि भाई इस गाड़ी का इंजन का काम करना है, पिकअप एकदम बढ़िया आएगा नहीं आएगा, मतलब जैसे गाड़ी का होता है पिकअप पैशन एक्सप्रो का, एकदम नई जैसी गाड़ी का पिकअप ऐसा होता है, आ जाएगा नहीं आएगा। तो मैकेनिक ने कहा था कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें कही थी जो कस्टमर ही आपसे शेयर करे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं क्या करूँ शेयर यार, मैं तो मतलब आपसे कुछ बोलने नहीं चाहूँगा इस बारे में, तो मैं उन बुलाता हूँ इन भाई को, और आपको इसकी आवाज़ भी सुनाऊँगा और इसकी फीडबैक भी दूंगा आपको मैं दूसरे अपने चैनल पे यार वी सागर वाले पे। अभी फिलहाल इस गाड़ी में क्या है क्या नहीं है ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, फटाफट बुलाता हूँ भैया को। आइए भैया हमारे पास, क्या हाल है? नमस्कार जी, कैसे हो आप? बढ़िया। ये लो हमारे दर्शकों को बताओ, एक मिनट करा जाओ शर्मा उमर। तो ये हमारे भाई हैं भजनपुरा से आए हैं, और ये जो भाई हैं इनकी गाड़ी है पैशन एक्सप्रो, इन ये अपनी गाड़ी की बहुत केयर करते हैं, गाड़ी काफ़ी में अच्छी भी है, कोई दिक्कत नहीं है, रोड पे चलती छोटा मोटा तो निकलता ही है। बाकी भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम विनय शर्मा है, मैं दिल्ली भजनपुरा से आया हूँ। और इस गाड़ी के बारे में क्या बोलूँगा मैं? इस गाड़ी का इंजन का काम कराना चाहता था, काफ़ी समय से मैं परेशान चल रहा था, फिर मेरे को कोई ढंग का मिस्त्री नहीं मिला। एक हमारे फैमिली मिस्त्री हैं, उनसे मैंने डिस्कस करा, इसका इंजन का काम कर दो और इसका पिकअप जेन्युइन जैसा चाहिए जैसे नई गाड़ी का आता है। सही बात। तो उन्होंने कहा पूरी दुनिया में कोई ऐसा मिस्त्री हो तो मेरे को बता देना जो जेन्युइन पिकअप ला दे गाड़ी में। पिकअप तो डाउन होगा बस, हाँ इंजन का काम होगा, आपकी पिकअप का कोई वो नहीं है, इंजन का काम जरूर होगा। तो ये उन्होंने बोला, तो मैंने बोला, मैंने कहा यूट्यूब पे मैंने देखी है कई वीडियो ऐसी जो जेन्युइन पिकअप कर देते हैं और जेन्युइन ही काम करते हैं। फिर मेरी एक दो बात उनसे पार्ट्स के बारे में हुई, जेन्युइन पार्ट डालना, उन्होंने कहा हम आपको पर्ची दे देंगे, आप पार्ट्स ले आना जेन्युइन कहीं से मिल जाए तो, क्यों उन्होंने कोई एक ऐसा शब्द लिया मैं बोल रहा हूँ, वो पार्ट्स वो वाले चल रहे हैं, जेन्युइन पार्ट्स नहीं होते। सप्लाई बोला बिल्कुल सही। तो उन्होंने आपको ये बताया कि अपने मतलब सप्लाई के पार्ट आ रहे हैं, ओरिजिनल पार्ट नहीं आ रहे? अच्छा, तो भाई मैं तो कुछ बोलना नहीं चाहूँगा इस बारे में, जबकि हम बहुत पुराना उनसे काम करवाते हैं और आज तक, क्योंकि हमारे पिताजी के सम दोस्त हैं वो, इसलिए उनसे काम कराते थे विश्वास पे। कोई अच्छा तो यहाँ मेरे पास आप आए, यूट्यूब पे वीडियो देखी है और मेरे को इनके काम पे अंधा विश्वास है जी, जो भी कर देंगे मेरे लिए वो सोना है। बिल्कुल, मैं तो आपको बढ़िया ही करने की कोशिश करूँगा। और आप यहाँ पर अभी कितनी देर से आप यहाँ पर हो? मैं यहाँ पे आधा घंटा हो गया यहाँ पे। इस आधे घंटे में आपने एनवायरनमेंट देखा होगा, लोगों से बात भी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा मेरे को मिला, गाड़ियाँ जो हो रही हैं सर्विस वो भी काफ़ी तरीके से हो रही हैं, सफाई से हो रही है, बिल्कुल वेटिंग रूम वगैरह सब कुछ। जी जी, कस्टमरों से बात की? कस्टमरों से बात की, फीडबैक भी काफ़ी अच्छा मिला आपका, बढ़िया मिला। और बाकी तो कस्टमर से बात करने की ज़रूरत नहीं सर, हम तो आपके फ़ैन हैं वैसे। सर ये दिल जीत भी आए। तो भाई मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, जैसा कि इन्होंने मेरे को बताया कि उस मैकेनिक ने इन्हें बताया है कि गाड़ी के माल ओरिजिनल नहीं मिल रहा है, सप्लाई का मिल रहा है, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी मत बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इससे बदनाम करोगे इस मतलब गाड़ी के पार्ट्स को। हीरो का जनरल पार्ट्स मिल जाता है, और ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको सप्लाई का पार्ट मिलेगा, वो आपकी पहचान और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। अभी इस गाड़ी को हम ओके करेंगे और इस गाड़ी के अंदर हीरो का जनरल पार्ट डालेंगे, और साथ में जो इसका पिकअप होता है एकदम मलाईदार देंगे, एकदम मक्खन मलाई रसगुल्ले गुलाब जामुन जैसा एकदम बढ़िया, जैसे कहते हैं एकदम मक्खन जैसा, ठीक है। तो ये क्यों होगा, इसकी सेटिंग हम करना जानते हैं, ये कैसे होगा, इसके पार्ट्स हम डालना जानते हैं, और ये ओरिजिनल पार्ट्स के डालने के लिए तो कोई छोटी सी बात हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ओरिजिनल ही कामयाब होता है। जो कोई भी काफ़ी सारे ऐसे बेवकूफ़ मैकेनिक है जो बोलते हैं कि भाई लोकल पार्ट से भी गाड़ी सेट हो जाती है और लाइव सीजन भी देते हैं, मतलब एक ऐप एप्लीकेशन का मुझे नाम नहीं पता, उस पर लाइव सीजन देते हैं और बोलते हैं कि भाई लोकल पार्ट से भी गाड़ी सेट हो जाती है। मैं कहूँगा भाई तुम बहुत बड़े महा बेवकूफ़ हो जो लाइव सीजन में बोल रहे हो मैकेनिकों को, मतलब कस्टमर को बोल रहे हो लोकल पार्ट डाल के गाड़ी सेट हो जाती है। लोकल पार्ट नहीं डालना चाहिए, लोकल पार्ट के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, और मैंने कभी ज़िंदगी में भी लोकल पार्ट के बारे में कोई प्रमोशन नहीं किया, ना ही मैं आगे जाकर फ्यूचर में कभी करूँगा। अगर वो लोकल है तो उसकी मार्केट वैल्यू अच्छी है, उसकी स्टार रेटिंग अच्छी है, तो वही मैं उसकी प्रमोशन करूँगा, वही मैं उसके बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए फटाफट से इस गाड़ी को खोलते हैं, और खुलने के बाद आपसे मिलते हैं आगे। Thank you.
भाई ये जो बाइक का इंजन है एक्सप्रो का, इसका हाफ इंजन तो खोल लिया पर उसकी क्रैंक की देखो क्या कंडीशन है। ये देखिए भाई, अगर आप एक गाड़ी का इंजन फिट करवा रहे हो और उसकी क्रैंक की साइड प्ले इतनी ज़्यादा है और आपको मैकेनिक बोल रहा है कि भाई ये चल जाएगी चला लो, तो भाई एक ही बात बोलना उसे, तो भाई मत चला, तू एक काम कर इसको तरीके से ओके कर दे और गाड़ी ओके करके फिर उसके बाद गाड़ी पैक कर दे, मतलब सही तरीके से फिट कर दे गाड़ी को। तो और गाड़ी की टाइम इंजन बार बार ख़राब हो रही है तो उसकी क्रैंक की गरारी भी डलवा दें। और हाँ एक बात और, इंजन अगर आप खुलवा रहे हो तो आपको मैन बैरिंग भी डलवाना है, ये जो बड़ा वाला बैरिंग है ना ये भी डलवाना है, और उसके अलावा हेड का भी काम करवाना है जैसा कि मैं काफ़ी बार वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये रॉकर जो है ये भी चेंज होंगे अगर ख़राब हुए तो। उसके अलावा इसके बैक साइड की कंडीशन मैं दिखाता हूँ, इसकी हालत क्या हो रखी है। ये देखिए भाई पिकअप कहाँ से आएगा, इसके वाल देखो प्रॉपर तरीके से लीकेज हो रखे हैं। और तो और इसके अलावा इसमें एक और बात है, इसका स्पार्क प्लग देखो कितनी बुरी कंडीशन में। और तो और स्पार्क प्लग लोकल है, 12-13 रुपये का प्लग आता है ये लोकल प्लग, और काफ़ी सारे महान मैकेनिक है जो लोकल प्लग डालते हैं ओरिजिनल बोल के, तो वो धोखेबाज मैकेनिक होते हैं भाई, इसके चक्कर में मत पड़ना। तो सारे काम छोड़ के फटाफट से इसको खोलते हैं और उसके बाद आपसे आगे बात करते हैं। भाई फाइनली इसका जो इंजन है वो देखा जाए तो खुल ही गया है, इसके प्रॉपर तरीके से इंजन का काम होगा, प्रॉपर तरीके से जैसे होता है इंजन का काम वैसे होगा। एक बात और बता देता हूँ, इसमें क्लच पीरियड वगैरह लोकल डाल रखी थी, कुछ कुछ ऐसा पार्ट था जो लोकल डाल रखा था, तो क्या ही बताऊँ आपको, पता ही इंजन ओके करना है नहीं करना। तो फटाफट से इंजन ओके करने के बाद आपसे मिलता हूँ मैं डायरेक्टली, ओके। 3 hours later तो देखो भाई फाइनली जो इसका इंजन है वो ओके कर दिया है। तो ये जो वीडियो है मैं इसलिए छोटी बना रहा हूँ ताकि आपको बड़ी वीडियो ज़्यादा ना मिले, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे जो मेरे को बोल रहे थे भाई बड़ी वीडियो बना रहे हो, बड़ी वीडियो बना रहे हो, थोड़ी छोटी वीडियो बनाया करो, इसलिए मैं छोटी वीडियो बना रहा हूँ। बाकी एक बात मैं आपसे क्लियर कर देता हूँ, ये जो गाड़ी थी इसकी ओके हो गई है, इसमें चेन सेट वगैरह नया डाला है और इसके और भी काम करें, तो फटाफट से गाड़ी डिलीवरी के टाइम पर आपसे डायरेक्टली मिलते हैं। तो भाई जैसा कि आपको पता है इस गाड़ी में काफ़ी दिक्कतें थी और इस गाड़ी को जिस मैकेनिक पे लेके गए थे इसके कस्टमर जो है उन्होंने तो कहा था कि इस गाड़ी के अंदर पिकअप जैसा होता है पैशन एक्सप्रो का वैसा कोई भी नहीं ला सकता पूरी दुनिया में। तो भाई मैं एक बात आपसे कह देता हूँ, ऐसी झूठी झूठी कमेंटमेंट या झूठी झूठी बातें कस्टमर से मत किया करो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। जो मशीन होती है ना मशीन, उस मशीन में अगर आप प्रॉपर तरीके से नए वाला फील लेना भी चाहोगे ना तो वो आ जाएगा। बस आपको फ़र्क इतना है, आपको अपना तजुर्बा अच्छा दिखाना है और आपको अपनी गाड़ी बढ़िया करनी है। तो ये जो गाड़ी है ये ओके हो चुकी है। अब ओके होने के बाद इसका साउंड क्या ही मैं आपको सुनाऊं, खुद कस्टमर से बात कर लो भाई, दो चार पहले ट्राई दिलवाते हैं फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। गाड़ी बाहर निकाली, गाड़ी का साउंड भी परफेक्ट है, आवाज़ भी परफेक्ट है, गाड़ी एकदम चमक के बाहर आ रही है जैसे कि आपको दिख ही रहा है सामने। यो ये गाड़ी यहीं खड़ी कर दे भाई, बस 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 बस। तो सर ट्राई लीजिए, आ जाइए। तो सर गाड़ी की ट्राई लेते हैं और देखते हैं। ये गए ट्राई लेने, गाड़ी चला के बताएंगे कैसी चल रही है गाड़ी, उसके बाद पूछते हैं गाड़ी की क्या कंडीशन है क्या नहीं है। काफ़ी दूर गए तो फटाफट वेट करते हैं भैया का। सर आ गए गाड़ी के ट्राई लेके हमारे, ये आ गई गाड़ी। ओ कैसी चल रही सर गाड़ी? बढ़िया सर, परफेक्ट है, मज़ा आ गया चलाने में। पिकअप को लेके थोड़ा सा डाउट था मन में, वो भी क्लियर हो गया, वो भी क्लियर हो गया, साउंड एकदम मस्त है। क्या कहना चाहोगे सर पब्लिक को हमारी? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, एक बार जरूर भाई को मौका देना और दोबारा ये आपको खुद बुला लेंगे। बिल्कुल सर, आप कहाँ से आए हो सर वैसे? मैं दिल्ली भजनपुरा से आया। अच्छा हाँ, बताया था भजनपुर से आए हैं। सर की गाड़ी तो ये वाली गाड़ी परफेक्ट हो गई एकदम, तो मक्खन मलाई। क्या कहना चाहोगे सर आपको लेकर, मक्खन हो गई बाकी में? मक्खन हो गई, 5 स्टार देना चाहूँगा। अरे थैंक यू सो मच सर। तो कोई नहीं सर, बता दिया सर्विस टाइम पे कराना गाड़ी की। अगर आप चाहते हो गाड़ी हमेशा ऐसी रहे, साउंड ऐसी रहे, पिकअप ऐसी रहे, तो उसके लिए गाड़ी आपके सर्विस टाइम पे होनी चाहिए। अगर आप सर्विस में लापरवाही करोगे तो कॉमन सी बात है, फिर वापस ऐसी हो जाएगी गाड़ी। नहीं, क्योंकि मेरी 150 किलोमीटर रोज चलती है गाड़ी। 200 चलाओ कोई दिक्कत नहीं सर, 300 चलाओ, 400 चलाओ, गाड़ी रोड पे चलती है सिर्फ रोड पे चलाने के लिए, खड़ी रखने के लिए होती नहीं है गाड़ी, खड़ी रखो तो खराब हो जाएगी जल्दी। जी सर, सर्विस टाइम से कराता हूँ, कभी इतनी चली ये 85,000 किलोमीटर। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो जो भाई आपको बोल रहे थे कि गाड़ी में दुनिया में कोई पिकअप नहीं कर पाएगा ऐसा, उसको क्या बोलना चाहोगे? मैं दिखाऊंगा ये गाड़ी जाके, मैं ये गाड़ी का काम करवाया कहीं। हाँ बिल्कुल, खुलवाना मत सर गाड़ी। नहीं नहीं, मैं पेचकस भी नहीं लगवाऊंगा सर, क्योंकि आदमी चढ़ के मारी तो कुछ ऐप कर देगा। हाँ तो सर बिल्कुल बोलना उनसे, ठीक है भाई, देखो आप पिकअप को चेक करो, सब कुछ चेक करो, ठीक है सर। तो फटाफट से इस वीडियो को एंड करते हैं भाई, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करना, क्योंकि काफ़ी सारी जानकारी जो है मिलती रहती है इस वीडियो पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो को पसंद आई होगी आपको, और उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो भी अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच। एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो, अपॉइंटमेंट बुक करो, अपॉइंटमेंट बुक करोगे आ जाओगे और आपकी गाड़ी की सर्विस हो जाएगी। अपॉइंटमेंट लेके आओगे, सर्विस चेकअप वगैरह जो भी होता है वो सारा कुछ A to Z बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में होता है, बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब 50 रुपये के आसपास होता है, ठीक है। मतलब अपॉइंटमेंट जो बुक होती है 50 रुपये आसपास की होती है, बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।